चंद्रयान 3 मिशन के बाद इसरो गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है। गगनयान क्रू मॉड्यूल रिकवरी टेस्टिंग विशाखापट्टनम में हो गई है। तो पहले बात करते हैं आखिर क्या है गगनयान मिशन। गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के तहत इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में यात्रा कराएगा। इस साल एक मानव रहित मिशन के साथ 2 एबॉर्ट मिशन की योजना बनाई गई है। बाकी के 2 एबॉर्ट मिशन अगले साल होंगे। इसके बाद एक और मानव रहित मिशन होगा। अगर ये सभी मिशन सफल होते हैं तो इसरो मानव अंतरिक्षयान मिशन के साथ आगे बढ़ेगा। पहला परीक्षण यान मिशन यानी कि टेस्ट व्हीकल TVD-1 2023 में हो चुका है। इसके बाद दूसरा परीक्षण यान TVD-2 मिशन और 2024 की पहली तिहाई में होगा, जो गगनयान LVM-3G-1 का पहला मानव रहित मिशन होगा। अगली योजना रोबोटिक पेलोड के साथ टेस्ट व्हीकल मिशन TVD-3 और D-4 और LVM-3G-2 मिशन की बनाई गई है। सफल परीक्षण यान और चालक दल मिशनों के परिणाम के आधार पर 2024 के अंत तक चालक दल मिशन भेजने की योजना बनाई गई है। उच्च मार्जन के लिए सभी प्रोपल्शन सिस्टम का परीक्षण पूरा किया जा चुका है। TVD-1 मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और सभी क्रू एस्केप के स्थिर परीक्षण सिस्टम मोटर्स को पूरा कर लिया गया है। बैच टेस्टिंग प्रगति पर है और इसरो ने 4 अतिरिक्त टेस्ट एबॉर्ट लेवल भी बनाए हैं ताकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो क्रू मिशन को एबॉर्ट कर सके। गगनयान की लैंडिंग के बाद उसे समुद्र से निकालने के लिए भारतीय नौसेना और इसरो ने विशाखापट्टनम स्थित नेवल डॉकयार्ड पर गगनयान क्रू मॉड्यूल रिकवरी ऑपरेशन को पूरा किया। साथ ही यह तय किया गया कि नौसेना का कौन सा युद्धपोत या जहाज रिकवरी ऑपरेशन में सबसे आगे रहेगा। यह रिकवरी ट्रायल्स विशाखापट्टनम के पूर्वी नौसैनिक कमांड के तहत समुद्र में किया गया। इसमें जो कैप्सूल इस्तेमाल किया गया वो ठीक उसी प्रकार और उसी वजन का है जैसा असली गगनयान क्रू मॉड्यूल है। इसे सिमुलेटेड क्रू मॉड्यूल मॉकअप यानी कि CMRM कहा जाता है। यह बेहद जरूरी टेस्टिंग थी ताकि एस्ट्रोनॉट्स को समय रहते बचाया जा सके। इस ट्रायल में क्रू मॉड्यूल से बुलाए लगाना, उसे खींचना, संभालना, इसे उठाकर जहाज पर लिफ्ट करना, पूरे रिकवरी प्रोसेस की सिक्वेंसिंग की गई। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को तय किया गया। इससे पहले पिछले साल कोची स्थित वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी में एक टेस्ट किया गया था। सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी में गगनयान क्रू मॉड्यूल को तेज लहरों में छोड़ दिया गया ताकि उसके तैरने की क्षमता को जांचा जा सके। क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल के टेस्टिंग के दौरान उसका वजन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बाहरी ढांचे आदि की जांच की गई। ये जांच उसी तरीके से की जा रही है जिस तरीके से लैंडिंग उसके बाद रिकवरी की जाएगी। गगनयान क्रू मॉड्यूल में ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी गगननॉट्स बैठकर धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। क्रू मॉड्यूल डबल दीवार वाला अत्याधुनिक केबिन है जिसमें कई प्रकार के नेविगेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, फूड हीटर, फूड स्टोरेज, टॉयलेट आदि सब होंगे। क्रू मॉड्यूल के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा। यह ज्यादा और कम टेम्परेचर को सहन कर सकेगा। स्पेस रेडिएशन से गगननॉट्स को बचाएगा। वायुमंडल से बाहर जाते समय और आते समय इसके अंदर बैठे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले मॉड्यूल अपनी धुरी पर खुद ही घूम जाएगा ताकि हीट शील्ड वाला हिस्सा वायुमंडल के घर्षण यानी कि फ्रिक्शन से यान को बचा सके। हीट शील्ड जहां वायुमंडल के फ्रिक्शन से गर्मी पैदा से बचाएगा, वहीं समुद्र में लैंडिंग के साथ पानी के टकराव से लगने वाली चोट को भी सहन करेगा। हालांकि क्रू मॉड्यूल को समुद्र में स्प्लैश डाउन करते समय उनके पैराशूट खुल जाएंगे ताकि इसकी लैंडिंग सुरक्षित हो सके। इसके उतरते ही भारतीय तटरक्षक बल या भारतीय नौसेना के पोत इसे संभाल कर उठा लेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you.